गुड आफ्टरनून एस्पिरेंट, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया करंट अफेयर्स और जो हेल्पफुल होगा आपके लिए एबीपीएस एएफओ एग्ज़ाम के लिए एंड आरआरबी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं सितंबर में उसके लिए। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं आज का क्या है। इंडिया हैज़ प्रपोज टू डिक्लेयर विच ईयर एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स टू द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफओए ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो किस ईयर को मनाने के लिए इंडिया ने प्रपोज किया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को? तो इसका राइट आंसर है 2019, ये इसका राइट आंसर है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन और हम लोग इसके डिटेल देख लेते हैं और इसके कुछ सम इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स है उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। इसका राइट है 2019। तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन जो है 2019 को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव दिया है। भारत के जो कृषि मंत्री हैं राधा मोहन सिंह, इस प्रस्ताव से संयुक्त राष्ट्र के जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक जो हैं डायरेक्टर जनरल जोन्स क्राजियानो डिसिल्वा को एक पत्र लिखा है, एक लेटर लिखा है उन्होंने। इस प्रस्ताव का उद्देश्य है उपभोक्ताओं जो अब कंज्यूमर है, नीति निर्माता हैं और उद्योग और जितने भी अनुसंधान हो रहे हैं के विकास क्षेत्र के बीच बाजरा के बारे में जागरूकता पैदा करना है। तो यहाँ पे मेन यहाँ पे आया कि कुछ लड़के कंफ्यूज हैं, कुछ एस्पिरेंट कंफ्यूज हैं कि 2018 जो मनाया गया था इंडिया के लिए वो किस लिए मनाया गया था, और बहुत सारा कंफ्यूजन निकल के आया है। तो चलिए इसका कुछ सब इम्पोर्टेंट पार्ट्स देख लेते हैं, वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। इसका मेन देखिए एफओ के बारे में जान लेना है आपको, वहाँ के जो डायरेक्टर जनरल हैं उनके बारे में आप जान लीजिए, इसके ये फाउंड कब किया गया था, फाउंडेड कब हुआ। तो एफओ का फुल फॉर्म फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड हुआ था 16 अक्टूबर 1945 को, और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो रोम इटली में हैं, और डायरेक्टर जनरल जो इसका जोन्स ग्रेजुआनो डी सिल्वा इसके डायरेक्टर जनरल हैं अभी वर्तमान में जो करंट डायरेक्टर जनरल हैं। इसके बारे में भी आपका इम्पोर्टेंस ये सब टॉपिक है, इसको आप छोटे में मत लीजिएगा, थोड़ा इसके बारे में डिटेल से आप नोट कर लीजिएगा। और जो इंडिया के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट जो 2018 में मनाया गया था नेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट्स इंडिया में मनाया गया था वो नेशनल था। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो इंटरनेशनल है, यहाँ पे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाना है 2019 में। और ये जो मिलेट्स होते हैं उसमें ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, सावा, इटीसी, बहुत सारे आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आप पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे जो भी कन्फ्यूजन है आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। यदि आपके और भी करंट अफेयर्स आपको डेली हमें ये पोस्ट किया था क्वेश्चन अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ पे बहुत सारे कन्फ्यूजन निकल गया तो मैंने सोचा इसको मैं डिस्क्राइब कर दूँ और अच्छे से एक वीडियो बना दूँ इस पर। और हमारे वीडियो ऐसे ही कुछ नए करंट अफेयर्स पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे कि मेरे वीडियो पोस्ट होते ही आपके पास पहुंच जाए। और एक करंट अफेयर्स एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स है जनवरी से जुलाई के लिए जो मैंने तैयार किया है, वो आप पीडीएफ में लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के एक लिंक दिया हुआ है उसमें आप लिंक से जाकर के आप वहां से परचेज कर लेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो आरआरबी स्किल 2 के एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसमें आपका एमसीक्यू टाइप में है, उसके जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एग्री एग्जाम गुरु जी यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मोटिवेट कीजिए हमें। मैं बार बार यही कहता हूँ कि प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिए वीडियो बनाने के लिए, शेयर कीजिए अपने, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज होगा तो मुझे लगेगा कि नहीं मेरी वीडियो अच्छी है। और लिंक के माध्यम से आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि 2019 में एग्जाम होने वाले हैं उसमें करंट अफेयर्स का पार्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है, यहाँ पे सिलेबस में भी दे रखा है। तो एबीपीएस कभी कभी कुछ भी उल्टा सीधा कर देता है, तो इसके लिए आप प्लीज़ सभी चीज़ को पढ़ के जाना है। वहाँ पे एलाइड सेक्टर के भी जो भी बुक है उसको भी पढ़ना है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।